पूर्व पार्षद व श्री महाकाल सेवा समिति अध्यक्ष लोकेश एस यादव पर जनवरी माह में गोली मारकर हत्या का प्रयास किया गया था। उस मामले का मुख्य आरोपी और सूत्रधार प्रशांत मेशराम पिछले 8 महीनों से फरार है, अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। उक्त आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति का है और उसके खिलाफ हत्या का प्रयास, रंगदारी गिरोह बनाकर शहर में आतंक फैलाना, नशीली सामग्री, ड्रग्स, शराब, ब्लैकमेलिंग जैसे अपराध उसके परिवार और सहयोगियों पर दर्ज है। ऐसा आपराधिक व्यक्ति खुलेआम घूम रहा है, इसलिए हमें अपने परिवार की जान जोखिम में डालकर रहना पड़ रहा है। पुलिस अधीक्षक को बार बार अवगत कराने के बावजूद आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। आरोपी लगातार सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत लेने की कोशिश कर रहा है और कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आरोपी मुक्का जैसी आपराधिक गतिविधियों में शामिल है और कभी कभी गुपचुप तरीके से किसी भी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी में रहता है, इसलिए उस आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। ऐसी मांग जय श्री महाकाल महिला सेवा समिति की अध्यक्ष स्वाति लोकेश यादव ने उपविभागीय अधिकारी व गोंदिया शहर पुलिस निरीक्षक को ज्ञापन के माध्यम से की है। इस मौके पर उनके साथ बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित थी। यहाँ पे जितनी भी जनता खड़ी हुई है ये सर्व समाज से है, कोई भी एक समाज यहाँ पे नहीं है। सभी समाज वालों का कल्लू यादव से बहुत प्रेम है और कल्लू यादव निर्दोष है। कल्लू यादव को न्याय चाहिए, उसके लिए ये रैली निकाली गई है। आरोपी को गिरफ्तार करना है। आरोपी बार बार हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट में बेल लगा रहा है, बेल लगाने के बाद रिजेक्ट हो रही है, फिर भी वो अपना प्रयास करते जा रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन उसको अरेस्ट नहीं कर पा रही है। हमारा विरोध यही है कि अगर वो अपनी बेल लगा रहा है तो वो तो है कहीं आसपास ही, तो उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? हमारे बार बार लेटर देने पर भी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं हो रहा। आज 9 महीने बीत गए, कल जब कुछ बड़ा होगा तब प्रशासन जागेगा। आज पूरे परिवार पे झूठे आरोप, उनके दोस्त यारों पे झूठे आरोप सब लिया जा रहा है। परिवार वाले डर रहे कैसा होगा आगे का व्यवहार, आगे प्रशासन ने किस प्रकार से हमारे को सेफ्टी देगी कि नहीं, हम सेफ है, हमारा यही क्वेश्चन है और कोई नहीं है। इसके बाद हम इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। मांग ये हमारी कि कल्लू यादव निर्दोष है, उसको रिहा किया जाए और निर्दोष आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। आरोपी है प्रशांत मेशराम। पुलिस प्रशासन में हमने किए, SP साहब को दिए हमने, कलेक्टर जी को दिए हमने, उसके बाद में भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और जो प्रशांत रांगडाले जो आरोपी है वो खुलेआम घूम रहा है। प्रशांत मेशराम जो है वो खुला घूम रहा है, उसको कोर्ट से भी कई बार बेल रिजेक्ट हो गई उसकी, उसके बाद में भी खुलेआम घूम रहा है और आरोपी खुलेआम घूम रहा है। जो आरोपी नहीं है उसको गिरफ्तार किया गया है। बस यही है कि हमारी मांगें पूरी होना चाहिए और जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया जाए और कल्लू भैया जो है उनको छोड़ दिया जाए। हम लोग भूख हड़ताल करेंगे ज़्यादा में ज़्यादा, और क्या करेंगे, कचहरी में आके भूख हड़ताल करेंगे या पुलिस प्रशासन जो है थाना में वहाँ अपन बैठ के धरना दे सकते हैं अपन। उसके बाद में भी अगर नहीं हुई तो हम कलेक्टर मुख्यालय में भी वहाँ पर भूख हड़ताल करना धरना कर सकते हैं अपन।